वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। कुछ खाली बेकार से पड़े बॉटल थे कांच के, उन्हें सजाकर उन्हें एक शोपीस जैसा बनाते हैं। पहली बॉटल जो है, इसमें मैं जो लाइनर यूज़ कर रही हूँ उसे ग्लास लाइनर कहते हैं, और जो दूसरी बॉटल हम अपसाइकिल करेंगे उसमें मैं परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ। पहली बॉटल में यूज़ करूँगी एक्रेलिक कलर, और दूसरी बॉटल में जो यूज़ करने वाली हूँ वो है ग्लास कलर्स। सारी चीज़ों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब कुछ ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में इन बॉटल्स को बनाने का कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि थोड़ा इलैबोरेट बनेगा। इसे ड्रॉ करते वक्त बहुत ज़्यादा बारीकी इसलिए चाहिए क्योंकि थोड़ा हाथ फिसलता है कांच के ऊपर। और एक्रेलिक कलर में हल्का सा पानी मिला रही हूँ मैं जब फाइनल स्ट्रोक दूंगी, ताकि जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो ना पता चले। इन बॉटल्स को आप यूं ही रख सकते हैं किसी कॉर्नर में शोपीस के हिसाब से, या फिर इसके अंदर फेरी लाइट्स डाल के इसे लैम्प जैसा यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऊपर से ढक्कन खोलकर इसमें एक कोई बुके डाल दीजिए या पेड़ लगा दीजिए। सोचती हूँ जब तक आप ये देख रहे हैं क्यों ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। ये कहानी माइथोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ है राधा कृष्ण की कहानी। बहुत पहले मैंने सुनी थी ये कहानी और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लीजिए, पहली बॉटल तो तैयार हो गई, अब शुरू करते हैं दूसरी बॉटल बनाना। जैसे जैसे बॉटल बनता जाएगा कहानी भी आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस और डालूंगी आगे। तो हुआ यूं कि एक बार श्री कृष्ण जो है हर रोज की तरह बांसुरी बजा रहे थे, और उनके आसपास थी बहुत सारी गोपियां, साथ में राधा जी भी थी। पर गोपियों के मन में थोड़ा सा हलचल था। वो बार बार यही आपस में बात करती थी कि कान्हा को ऐसा क्या अच्छा लगता है राधा में जो हम में नहीं। आखिरकार गोपियों ने पूछ ही लिया कान्हा जी से। अब कान्हा जी क्या जवाब दे, वो मुस्कुरा बैठे। पर थोड़ी देर बाद उनके सर में दर्द होने लगा। ये जान गोपियां भी विचलित हो उठी। उन्होंने कहा, कान्हा क्या किया जाए तुम्हारे लिए कि तुम्हें आराम मिले। कान्हा जी ने कहा कि एक काम करो, मेरे सर के ऊपर थोड़ी सी खड़ी हो जाओ, शायद तुम्हारे भार से मेरे सर दर्द को थोड़ा आराम मिले। पर किसी गोपी ने ऐसा नहीं किया, सारी गोपियाँ डर गई। उन्होंने कहा, ये क्या बात हुई, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो पाप होगा। तभी राधा जी आई और वो बिना सोचे समझे कृष्ण के सर के ऊपर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो खड़ी हुई सारी गोपियाँ बड़ी नाराज हुई। उन्होंने कहा कि ये तो तुम पाप कर रही हो, तुम्हें इसकी वजह से शायद नरक का भोगना पड़े। राधा जी मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि अरे, अगर मेरे कान्हा को थोड़ा भी आराम मिलता है तो क्या बुरा है। नरक अगर जाना हुआ और उसके बदले ये सौदा है कि मेरे कान्हा को आराम मिल रहा है, तो मुझे यही मंजूर है। कान्हा जी फिर मुस्कुराए। उन्हें शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रेम जो होता है वो खुद के शर्तों पे, खुद के आराम से, खुद की सुविधा से नहीं होता। जब तक प्रेम निष्पक्ष ना हो या दूसरे के हिसाब से ना हो, तब तक उसे प्रेम नहीं कहते। कृष्ण को राधा इसलिए पसंद थी क्योंकि राधा ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा और कृष्ण के बारे में सोचा। देखा जाए तो इस तरह की प्रेम कथाएँ सिर्फ किताबों में मिलती हैं। इतना निष्पक्ष प्रेम, वो भी जो माँ और बच्चे का ना हो, थोड़ा अनयूजुअल है देखने में, नहीं?
पर कुछ कहानियाँ जो होती हैं, हम पौराणिक कहानी सोचते हैं, माइथोलॉजी सोचते हैं, पर नहीं, ये कहानियाँ बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हम सीखना नहीं चाहते हैं इन चीज़ों में। हम पूजा पाठ धर्म ये ले आते हैं, पर अच्छे जो मुद्दे वाली बात है वो भूल जाते हैं। तो एनीवेज, आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लैक लाइनर है। ये जो पेंट यूज़ किया मैंने पहले, वो एक्रेलिक कलर था, और ये ब्लैक लाइनर जो है, ये किट के साथ आया था, जो ग्लास पेंट के साथ यूज़ करूँगी। पीछे वाला साइड पूरा खाली था, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर लिया जाए। आप कह सकते हैं इससे मेहंदी का पैटर्न। इस बॉटल को दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। पहले कृष्ण वाला साइड आगे कर सकते हैं, फिर पलटा दिया हमने तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा इसे, आप समझ लीजिए आधे घंटे के आसपास। इस साइड में भी ऊपर तो पूरा खाली है, तो सोचा क्यों ना इसमें भी एक जाली जैसा बना दिया जाए। कोशिश कर रही हूं मंदिरों में जो कारीगरी होती है वैसा कुछ किया जाए। ये ग्लास कलर्स हैं, इसे बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। इसमें सामने नोजल रहता है, आपको सिर्फ ढक्कन खोल के हल्के से बॉटल को प्रेस करना है और कलर्स बाहर आना स्टार्ट होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बॉटल जो है वो सीधा रहे, वरना ये जो कलर है ये बहने लगता है। इसीलिए हमने लाइनर किया ताकि वो उसका एक बाउंड्री डिमार्केट करे और वो जो कलर है इधर उधर ना भागे। बहुत मल्टी ब्राइट कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इंडियन टच दे रहे हैं ना। इसे सूखने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हिस्सों में इसे पेंट करने वाली हूँ। आधा घंटा सूखने के बाद मैंने बॉटल को टिल्ट किया और फिर अभी पेंट किया। ये तैयार हो गया, सामने पेंट नहीं कर रही हूं मैं, पर ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप अगर ऐसा ही कुछ बनाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। ये एक और बॉटल मैंने बनाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया है मैंने ड्रैगन फ्लाइज के साथ।